बिजनौर शहर कोतवाली क्षेत्र की खलीफा कॉलोनी में हुए ट्रिपल मर्डर से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। बुजुर्ग दंपति और उनके बेटे की हत्या की यह घटना स्थानीय लोगों के लिए एक झकझोर देने वाली खबर है। घटना के बाद स्थिति की गंभीरता को देखते हुए एडीजी रमित शर्मा और डीआईजी मुनिराज ने घटनास्थल का दौरा किया। इस मामले की तह तक पहुंचने के लिए पुलिस ने तत्काल 5 टीमों का गठन किया है, जो इस हत्याकांड के कारणों और दोषियों का पता लगाने के प्रयास में जुट गई है। प्रारंभिक रिपोर्ट्स के अनुसार हत्या के पीछे व्यक्तिगत रंजिश, अवैध संबंध या अन्य किसी विवाद की संभावना व्यक्त की जा रही है, लेकिन पुलिस हर पहलू से मामले की जांच कर रही है। आला अधिकारियों ने ट्रिपल मर्डर के घटना स्थल का निरीक्षण करने एवं घटना के सफल व शीघ्र अनावरण हेतु संबंधित को दिया निर्देश दिए। एडीजी और डीआईजी शाम तक जिले में डेरा डाल रहे हैं। उन्होंने मृतकों और नामजद आरोपियों के साथ साथ आसपास में रहने वाले लोगों पर दर्ज मामलों की लिस्ट तलब की है। पुलिस के आला अधिकारियों के अनुसार जल्द ही मामले का खुलासा किया जाएगा, ताकि दोषियों को न्याय के कटघरे में लाया जा सके और क्षेत्र में फैले डर को खत्म किया जा सके। आपको बता दें कि तिहरे हत्याकांड को आरोपियों ने बेहद ही शातिर ढंग से अंजाम दिया, जो जहां जहां सोया उसे वहीं मार डाला। बरामदे में जमीन पर ही लगे बिस्तर पर कबाड़ी मंजूर और उसकी पत्नी जुबैदा की हत्या की। कमरे में सो रहे उनके बेटे याकूब को भी मार डाला। मृतकों को एक दूसरे का बचाने का मौका भी नहीं मिला। वारदात के बाद कबाड़ी मंसूर के छोटे से घर का मुख्य दरवाजा अंदर से बंद मिला था। बिजनौर एक्सप्रेस के साथ आकिफ अंसारी, बिजनौर। ये थाना कोतवाली क्षेत्र में चांदपुर चौकी में एक सुबह इन्फॉर्मेशन आई कि यहाँ पर जो है एक घर में कुछ बॉडीज पड़ी हुई है, जिसमें एक ओल्ड कपल है, दोनों लगभग 60+ एज है, मंसूर और उनकी वाइफ सुबैदा, उनकी जो है बॉडी पड़ी हुई थी। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे हत्या हुई है। और उसके बाद जब घर को प्रॉपरली हमने चेक किया तो उनका एक बेटा याकूब, उसका भी शव मिला है। शव को हमने तत्काल पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। इनके विषय में ये जानकारी हुई है कि नॉर्मली जो है कबाड़ी वगैरह का ये काम करते थे, और इनके जो है 5 बेटे हैं और एक बेटी। एक बेटा इनका हिस्ट्री शीटर भी है, जिसका जहूर नाम है। तो मौके पर जो है एफएसएल और बाकी जो हमारी टीम्स है, डॉग स्पॉट वगैरह सभी को बुला के हम निरीक्षण करवा रहे हैं। और इसमें तत्काल जो है हमारी जो बेस्ट 3 टीमें हैं वो लगाई गई हैं, घटना का यथाशीघ्र अनावरण करने का प्रयास कर रहे हैं। सामने आया देखिए, बॉडीज देख के जो है ये मर्डर लग रहा है इसमें, और इसीलिए जो है हमने जो हमारी बेस्ट टीम्स है उसको घटना को अनावरण करने के लिए यथाशीघ्र लगाया गया। किस तरीके से मर्डर की आशंका ज्यादा जा रही है, किस तरीके को धारा दिया जा रहा है? देखिए, इसमें जो है मौके से हमें एक पेशकश मिला है, जिसको हमने एग्जामिनेशन के लिए जो है सील किया है, और बाकी बॉडीज जो है पोस्टमार्टम के लिए। कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया, कुछ लोगों अभी पूछताछ की जा रही है। अभी जैसे जो भी तथ्य सामने आएंगे आपको ब्रीफ करेंगे। कोई लूट का एंगल तो नहीं कप्तान साहब, कोई लूट या कोई एंगल लग दिखाई दे रहा होगा ऐसा? अभी इस चीज की पुष्टि नहीं की जा सकती प्रथम दृष्टया ऐसे देख के, क्योंकि घर में जो है सामान, नॉट श्योर एग्जैक्टली वो कबाड़ी का काम करते थे, बट सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है। जो भी तथ्य सामने आएंगे आपको इमीडिएटली ब्रीफ किया जाएगा। थैंक यू। बिजनौर की सभी ताजा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को बेल आइकन पर क्लिक कर सब्सक्राइब करें।